जिस कलाकार को सबसे ज्यादा शोहरत और पहचान संघर्ष और दुश्मन से मिली, लेकिन जिस इंसान ने कभी अपने जीवन की चुनौतियों को संघर्ष नहीं माना, ना ही जिसने कभी किसी को अपना दुश्मन माना। यहाँ पे कोई भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक पक्ष होता है। यहाँ पे कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हर आदमी का अपना सच होता है। जिसने अपने बचपन में अपना नाम तक खुद रखा था। मैंने माता जी से कहा कि भाई मुझे ये नाम पसंद आ गया और आज से मेरा नाम आशुतोष राणा होगा। लेकिन जवानी में अपने जीवन का हर फैसला अपने गुरु को सौंप दिया। गुरु और शिष्य के बीच में घटित होने वाली घटना को हम ये समझ लें कि चीजें शने शने नहीं गिरती हैं। तर्क जब एकदम से धड़ाम गिरता है तब समर्पण पैदा होता है, और जहां पे धीरे धीरे तर्कों का गिरना हो, समझिए कि वो शिक्षक है, वो गुरु नहीं है। जो कभी एक लीडर बनकर लोगों का नेतृत्व करना चाहते थे, आज वो लोगों के साथ मिल बैठकर बात कर उन्हें आध्यात्म की राह दिखा रहे हैं। परमात्मा के सारे कृत्य को हम सिर्फ लीला मान लेते हैं, तो इसलिए परमात्मा हमारे लिए पूजनीय तो हो जाते हैं लेकिन धारणीय नहीं हो पाते। हम उनके चरण तो पकड़ लेते हैं लेकिन उनके आचरण से वंचित रहे, चिन्हों पर चलना नहीं चाहते। वो जो जितने अपने परिवार के हैं उतने ही दोस्तों के, प्रशंसकों के और समाज के भी हैं। एंट्री गेट हमारे पास रहा है, हमारे जो मित्र आए हैं, तो आप आ अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन जा आप नहीं सकते। वो जो जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने ही अच्छे लेखक भी। नजर पे जिसको अपनी एतबार होता है, साथ उसके परवरदिगार होता है, वो तेरी हस्ती ही मेरी हस्ती है, अपनी हस्ती से प्यार होता है। वो जो जितने अच्छे वक्ता हैं उतने ही अच्छे श्रोता भी। मैं व्यक्ति में विश्वास रखता हूँ, वस्तु में विश्वास नहीं रखता। और जब भी कभी आप बाजार में खड़े हो जाते हैं और बाजार आपका मूल्यांकन करने लगे, तो आप व्यक्ति नहीं वस्तु बना दिए गए। जिंदगी विद ऋचा में आज हम उस एक व्यक्ति के जीवन के इन सभी आयामों को समझने की कोशिश में हैं। और वो हमारे साथ जुड़े हैं पूरे दिल से। आशुतोष राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। धन्यवाद ऋचा। और ऐसे तो हमारी बीच में बहुत मुलाकातें होती रही, लेकिन मुझे लगता है 2009 में आप जिंदगी लाइव में आए थे जी। लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि उसके बाद इतनी यात्रा, इतने सारे और आयाम जुड़ गए आपकी यात्रा में कि मुझे लगता था एक बातचीत और होनी चाहिए, बनती है। तो आज हम लोग जिंदगी लाइव के कई साल बाद जिंदगी विद ऋचा में आशुतोष राणा जी से फिर से बात करने वाले हैं। तो राणा जी, ये तो अब आपके सारे इंटरव्यू से हमें पता चल गया कि आप बहुत छोटे थे और आपने अपना नाम स्वयं रखा था आशुतोष। आपके घर में पूजा चल रही थी, अगर संक्षेप में थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर मैं दूसरे सवाल पर आऊँगी। नहीं, जैसा कि आपने बताया, तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसका नाम खुद रखने का मुझे अवसर मिला। नहीं तो अक्सर होता यह है कि हम जन्म भी किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करते हैं, नाम भी, काम भी, दाम भी, इसमें कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति या कोई अन्य माध्यम जुड़ा होता है। लेकिन नाम से शुरुआत हमारे साथ हुई, तो हमारे घर में गाडरवारा में जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, श्रावण मास में प्रतिदिन मिट्टी के महादेव बनाए जाते थे, जिनको हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, और उनका महारुद्राभिषेक होता था, अभिषेक होता था। ऐसे ही एक दिन श्रावण में जब उनका महारुद्राभिषेक हो रहा था, भगवान राम की प्रतिमा तस्वीर सामने रखी थी और हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे थे देवाधिदेव महादेव का, और मैं माता जी की गोदी में बैठा हुआ था, और उसमें एक मंत्र आता है ओम आशुतोषाय नमः। तो मुझे एक जिसको कहते हैं कि उत्सुकतावश, मैं बड़ा उत्सुक बच्चा था और हमारी उत्सुकता को हमारे माता पिता ने काफ़ी उसको बढ़ावा भी दिया, प्रोत्साहन दिया। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो पंडित जी ने कहा कि शंकर जी का नाम है। तो उनका शंकर जी का नाम तो है, लेकिन जैसा कि आप अभी तक हम लोगों को बताते रहे हैं कि भगवान के कोई भी नाम जो होते हैं वो उनके कामों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो बोले इसका मतलब है
जल्दी से प्रसन्न होने वाला, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला। तो इनकी प्रकृति जो है महादेव की, ये जल्दी खुश हो जाते हैं। एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक बार उनके ऊपर जल डाल दो, ये खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा, तो ये कन्फ्यूजन था, तो मैंने रामचंद्र जी की तस्वीर उठाई, मैंने कहा कि ये हैं वो। अच्छा। तो बोले नहीं, वो ये नहीं है, वो ये हैं। तो मैंने कहा फिर आप पूजा इनकी कर रहे हैं, तस्वीर इनकी रखे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? तो बोले कि क्या है कि भगवान राम और देवाधिदेव महादेव के बीच में बड़ा सुंदर संबंध है। महादेव कहते हैं कि राम ही जिनके ईश्वर हैं, वो वाले रामेश्वरम हैं, और राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं, तो ये वाला भाव महादेव के अंदर है। तो मैंने माता जी से कहा कि भाई मुझे ये नाम पसंद आ गया, और आज से मेरा नाम आशुतोष राणा होगा। अच्छा, तो तुरंत प्रसन्न हो जाने वाला गुण ये आशुतोष राणा में भी आया शिव जी का? हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने साथ बैगेज नहीं लेके चलता, और ज़िंदगी में मैं वर्तमान को जीने में विश्वास रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे अतीत में जो होती हैं वो ग्लानियाँ होती हैं, और भविष्य में जो होती है वो चिंता होती है। तो अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो वर्तमान में आनंद ही इसलिए होता है क्योंकि आप ग्लानि से मुक्त हो जाते हैं और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो बैगेज लेके नहीं चलता, मुझे अगर कोई चीज़ खटकती है तो उसका तत्काल रिएक्शन देके मैं उस चीज़ को वहीं समाप्त कर देता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। तो कभी पुरानी बात का स्मरण हम अपने जहन में नहीं रखते, इसलिए हमारे पास चाहे परिवार में हमारे रिश्ते हों, चाहे बाज़ार में हमारे रिश्ते हों, और चाहे मित्र परिवार में हमारे रिश्ते हों, वो एंट्री गेट हमारे पास रहा है। हमारे जो मित्र आए हैं तो आप आ अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन जा आप नहीं सकते हैं। तो इस कारण हमारे पास मित्र संपदा या रिश्तों की संपदा बे इंतहा है। क्या बात है। लेकिन शिव जी नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आशुतोष राणा को भी गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से की तीन प्रकृति होती हैं ऋचा। एक होता है राजसी गुस्सा, एक होता है सात्विक गुस्सा, और एक होता है तामसिक गुस्सा। तामसिक गुस्से में व्यक्ति सामने वाले को प्रताड़ित करना चाहता है। राजसी गुस्से में व्यक्ति सिर्फ अपनी सत्ता का प्रदर्शन करके सामने वाले को उसकी सीमा दिखाना चाहता है। लेकिन सात्विक गुस्से में व्यक्ति के अंदर प्रताड़ना का भाव नहीं होता, सिर्फ संशोधन का भाव होता है। और संशोधन सिर्फ एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रकृति जो है वो तामसिक गुस्से की नहीं है, राजसी गुस्से की नहीं है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर क्रोधित या कोई मुझ पर क्रोधित इसलिए नहीं होता कि मुझे आपकी बेइज्जती करनी है या आपके साथ हुज्जत करनी है। हम एक दूसरे के ऊपर क्रोधित परिस्थितियों के कारण होते हैं, वो परिस्थितियाँ उन परिणामों के कारण होते हैं, और जैसे ही वो परिस्थिति जो होती है वो जाती है क्योंकि, और वो उसका परिणाम भी चला जाता है। होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी क्रोध या जितने भी प्रेम होते हैं, हमको लगता है ये हमारी संपदा है, लेकिन वो समय की संपदा होती है। तो जैसे ही वो समय जाता है उसके परिणाम भी उसके साथ चले जाते हैं। झंझट यहाँ होती है कि समय तो बीत गया लेकिन उसके परिणामों को हम पकड़े रखते हैं, ढोते रहते हैं सारी ढोते रहते हैं। तो इस वजह से चाहे वो आनंद हो, चाहे वो अवसाद हो, चाहे वो उत्साह हो या चाहे वो उन्माद हो, तो उस जितनी भी हमारी उपलब्धियाँ होती हैं, भाव होते हैं, वो समय की उत्पत्ति होते हैं, वो समय के साथ जाते हैं। समय गया, वो अपने परिणाम अपने साथ लेकर चला गया और आपको वर्तमान के लिए छोड़ गया। तो मैं उन भावों को पकड़ता नहीं हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमसे कहा कि बेटा बड़े होकर आनंद का व्यवसाय करना और आनंद को अपना जीवन बनाना, कि जिससे मिलो तुम आनंद का विनिमय करो, जो तुमसे मिले वहाँ पे आनंद का संचार हो। और मुझे लगता है कि माताजी की वो बात हमारे साथ चरितार्थ हो गई, क्योंकि हम जिस पेशे में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, वो आनंद का व्यवसाय है। अभिनेता जो होता है वो परिस्थितियाँ भले ही ना बदल पाए, अभिनेता या कलाकार जिसे भी कहें, लेकिन मनस्थिति ज़रूर बदल देता है। और हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी में हमारे भारत का दर्शन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो वाली बात। आज का इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि मैंने एक फ्लो सोचा हुआ है, लेकिन आशुतोष जी मुझे यहाँ से वहाँ ले जाने वाले हैं। अभी अब देखिए कितनी मज़ेदार बात निकल आई। आपने कहा आनंद का व्यवसाय, बिल्कुल सही बात है, आप जिस व्यवसाय में हैं। अब ये सवाल बहुत बाद में आने वाला था लेकिन पूछ लेती हूँ, लेकिन जो रोल आपने किए, मतलब व्यक्ति के तौर पे आप जिससे मिलते हैं बहुत
आनंद देते हैं, लेकिन जब आप पर्दे पे दिखे हैं तो मुझे लगता है 80% आपके रोल्स ने घृणा मन में पैदा की, आनंद पैदा नहीं किया। ये आप कैसे मतलब डिफाइन करते हैं अपने? देखिए क्या होता है कि हम लोग अक्सर होता ये है कि हम खुशबू और बदबू कह देते हैं, गंध या दुर्गंध या सुगंध कह देते हैं, लेकिन वो होती गंध है। ये हमारी नाक पर निर्भर करता है कि हम उस गंध को, गंध का जो मूल स्वरूप है वो गंध है। ये हमारी नाक कहती है कि नहीं ये सुगंध है, और कुछ नाकें कहने लगती हैं कि ये दुर्गंध है। तो जो अभिनय या कला का संबंध जो होता है वो भाव से होता है, और हमारी और आपकी सबकी जिंदगियां में 6 तो भाव हैं, फिर उसके बाद उसमें उनके उन्होंने 9 विभेद कर दिए कि अगर हास्य भी है तो रौद्र भी है, तो करुण भी है, तो वात्सल्य भी है, विभत्स भी है। तो विभत्स को ही ज्यादा तो आपके इन सारे के सारे भावों को, आपकी जुगलबंदी अगर जीवन में इन सारे भावों की अगर उपयोगिता नहीं होती मानवीय जीवन में, हमारे नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। उसका कारण ये है कि जिन 4 वेदों में उल्लिखित तमाम जो कर्मकांड हैं, तमाम जो साधना पद्धतियां हैं, उन्हें आप इस 5वें वेद से मतलब इस शरीर के माध्यम से आप करते हैं। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने आपके शरीर को समझने के लिए, आपके चित्त चरित्र चिंतन को समझने के लिए जो व्याख्याएं की हैं, और उसको अभी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि फेसबुक वगैरह पे उन्होंने कहा कि लव के बाद लाइक के बाद सीधा लव आता है, लव लाइक लाफ्टर सैड एंग्री। क्या हमारा सिर्फ इतना ही जीवन है? लव से, लाइक से लव तक की यात्रा में बहुत सारे पड़ाव होते हैं। सही बात है। तो उन तमाम चीज़ों को कि पता लगा 9 रस हो गए आपके, पर उसके बाद स्थाई भाव भी हैं, संचारी भाव भी हैं, अनुभाव भी हैं, विभाव भी हैं, उनके भी 2-2 रूप हैं, आलंबन है, उद्दीपन है। कुल मिलाकर अगर हम और आप देखेंगे तो हमारे और आपके जीवन में तकरीबन 64 किस्म के मनोभाव होते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जितने भी नकारात्मक किरदार हैं उनको बड़े सकारात्मक तरीके से करने का जो हमें अवसर मिला है, तो लोगों को सिर्फ सकारात्मकता याद रहती है, और आनंद का जो संचार होता है दर्शक के चित्त में वो सकारात्मकता के कारण होता है। तो कभी कभी वहाँ पर्दे पर देखे खुद से भी या खुद के किरदार से आपके मन में भी वही घृणा आई जो दर्शकों के मन में लाए आप? मैं ईमानदारी की बात है कि मैं ट्रुथ ऑफ द मोमेंट को जीता हूँ। जब भी कभी अभिनय करता हूँ तो मैं हर पल के सत्य को जीता हूँ, और मेरा ये मानना रहता है कि जब अभिनेता की श्वास के साथ दर्शक की श्वास मिल जाए, जो गति है, तो जिस गति में अभिनेता की श्वास चल रही है तो अभिनेता के पास चुनौती होती है कि उसी गति में वो दर्शक की श्वास को लेके आ जाए, तो वह भाव दर्शक के चित्त में अपने आप पैदा हो जाता है जो उस समय उस किरदार के चित्त में मौजूद होता है। तो ये जब भी कभी हमारी और आपकी श्वासों का मेल होता है, क्योंकि हम तो हम इनट्यून हो जाते हैं। इसलिए आप देखें कि ध्यान धारणा समाधि में अक्सर जितने भी सिद्ध लोग हैं वो आपको श्वास के साथ तालमेल बनाने की बात करते हैं, तो उस श्वास के साथ आपका जो छोटा ब्रह्मांड है आप इस बड़े ब्रह्मांड के साथ जो उसकी संगति मिलाने का काम होता है करते हैं, तो वो आपकी श्वास करती है। तो आपको अपनी श्वास के साथ उस लय के साथ इसकी लय के साथ मिलाना है तो फिर हम और आप प्रलय के भागी नहीं बनेंगे। आज का लगता है मुझे इंटरव्यू जो है, जो हमारी चर्चा हो रही है, वो एक्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मास्टर क्लास हो जाएगी। लेकिन चलिए अब मैं वापस आपके बचपन चलती हूँ। तो नाम तो आपने खुद चुना, लेकिन फिर सरनेम निखरा क्यों नहीं रहा? राणा आपकी माँ ने दिया नाम, लेकिन क्या वजह रही, मतलब आशुतोष निखरा? देखिए हमारा परिवार जो है वो बड़ा निखरा का अर्थ होता है विशुद्ध, निखरा। और हमारा परिवार एक लंबे समय तक उसकी अपनी परंपरा रही है, और उनके पास एक हिसाब से कहें कि सम्मान रहा है, संपत्ति रही है, लक्ष्मी जी और सरस्वती की कृपा रही है दोनों की। अक्सर ये होता है कि लक्ष्मी की कृपा होती है तो सरस्वती नहीं होती, और सरस्वती जी की कृपा होती है तो ब्लेस्ड फैमिली है। और मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर काफ़ी किस्म के अपने उत्साह थे,
और एक और मैं बड़ा उजड और उद्दंड, जब ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती है और उसे निर्देशन नहीं मिल रहा होता, दिशा नहीं मिल रही होती है, तो फिर वो ऊर्जा ठोकर मारती है और फिर वो कई ऐसे अवांछित कामों को करवाती है कि जहाँ पे आपको तो तृप्ति मिलती है लेकिन वो अवांछित कार्य अभिनंदनीय नहीं होते हैं। तो जब बड़े होते रहे, मैट्रिक में आए, 11th में, उस समय 11th होती थी, तो एक दिन हमारे बड़े भाई ने हमसे कहा कि तुमको जो लगता है कि ये तुम्हारे पावर के कारण लोग तुमसे नहीं बोलते हैं, ये जो तुम्हारे पीछे निखरा लगा है ना, ये इसके प्रभाव के कारण लोग तुम्हारी कई गलतियों को क्षमा कर देते हैं, चूक कर देते हैं। तो अगर तुमको सचमुच में लगता है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, तो फिर एक बार इस शब्द से ज़रा विमुख होकर विचार करके देखो। मुझे उनकी बात जम गई और मुझे लगा कि सच बात है। अभी तक संभवतः मैं अपने परिवार की आभा से प्रकाशित हो रहा हूँ जिसे मैं अपनी आभा समझ रहा हूँ। तो ये एक बड़ा गुरु मंत्र के तौर पर, सूक्ति वाक्य के तौर पर हमारे सामने आया और हमको लगा कि हाँ यार, एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे आपके परिवार की प्रतिष्ठा, आपके परिवार का प्रभाव, उसका लाभ आपको ना मिले और आप अपने चरित्र का, अपनी क्षमताओं का, अपने प्रकाश का सृजन स्वयं कर सकें और उधार की शक्ति पे आपको भरोसा ना करना पड़े। तो हमने 11वीं के बाद अपने उस सरनेम को, जो निखरा जो सरनेम है हमारा, जो पारिवारिक नाम है, उसको हटा दिया और सिर्फ आशुतोष राणा, तो हमारी पहचान राणा आपको माने बचपन माने दिया, क्योंकि हमारे पिताजी का जो नाम था वो राम नारायण है, तो राम का रा और नारायण का नाम मिला के, तो आशुतोष राणा। गाडरवाड़ा, आप खास तौर पर गाडरवाड़ा आए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति कहीं भी चला जाए लेकिन जहाँ जड़ें हैं, अगर वहाँ जाकर उस व्यक्ति से मिला जाए तो ये घर भले ही नया है लेकिन यादें बहुत सारी पुरानी हमेशा मिल ही जाती हैं। तो आज आशुतोष राणा जो कुछ भी हैं या जो अभी तक की यात्रा रही है, उसमें गाडरवाड़ा कहाँ है, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? इसमें गाडरवाड़ा का ही कंट्रीब्यूशन है। अगर आप मुंबई में जाएंगे या मैं देश के या विश्व के किसी भी कोने में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुंबई क्या है, गाडरवाड़ा का एक बड़ा स्वरूप है, और गाडरवाड़ा क्या है, मुंबई का एक छोटा स्वरूप। तो जो कुछ भी अगर किसी फल की आप प्रशंसा कर रहे हैं और उसके स्वाद की प्रशंसा कर रहे हैं, तो मूल रूप से देखा जाए तो क्रेडिट उसके पेड़ को नहीं, उसकी जड़ को जाती है। तो जड़ों को, तो ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि आप इस फल के चक्कर में उसकी जड़ को देखने आ गई हैं, उसको टटोलने आ गई हैं, तो ये आनंद का विषय है। तो गाडरवाड़ा तो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता और मैं कभी अलग नहीं हो सकता गाडरवाड़ा से, क्योंकि लोगों का निर्माण परिवार करते हैं, बहुत से लोगों का निर्माण, लेकिन आशुतोष का निर्माण मैंने देखा है कि हमारा जो नगर है वो इतना खूबसूरत और इतना प्यारा और छोटा है, तो सब एक दूसरे के साथ बड़े आत्मीय रूप से जुड़े हुए होते हैं, परिचय नहीं है, ये परिचय, अपरिचय परिचय, फिर परिचय से सुपरिचय, सुपरिचय से बंधुत्व के भाव से बंधा हुआ हमारा ये नगर है। तो हमारा निर्माण पूरे के पूरे नगर ने किया है। मैं किस किस के नाम लूँ यहाँ पे अपने परिवार के अलावा, क्योंकि हमारे यहाँ मित्रों को भी परिवार की ही संज्ञा दी जाती है कि वो मित्र परिवार है, और अगर मेरा कोई मित्र है तो वो पता लगा कि वो मम्मी बाबूजी और मेरे बड़े भाइयों के भी मित्र हैं, और बड़े भाइयों के जो मित्र हैं वो पता लगा कि हमारे भी बड़े भाई। शहरों में वैसा नहीं होता, ये तो वैसा नहीं होता। कोई एक संस्कार, जैसे अगर मैं कहूँ कि गाडरवाड़ा ने ये एक संस्कार तो दिया है, आप आशुतोष राणा को देख लें तो आपको पूरा का पूरा गाडरवाड़ा मिलेगा और उसमें सारे संस्कारों की जो वृत्ति है। लेकिन गाडरवाड़ा की हमारी जो रामलीला हुआ करती थी, जिसके कारण हम सबको अभिव्यक्त करने का मौका मिलता था या अपने पैशन को ढूंढने का अवसर मिलता था, जब हम छोटे थे और माँ ने कहा कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, तो हमने उनसे पूछा कि पैशन को प्रोफेशन तो हम बना लेंगे प्लेजर के लिए, लेकिन पैशन ढूंढे कैसे, हमें कैसे पता लगे कि ये पैशन है? तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे आईने के सामने खड़ा किया और कहा कि बताओ तुम कैसे लग रहे हो। तो मैंने अपने बाल बाल ठीक किए, टाई वाई ठीक की, स्कूल जा रहे थे हम, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुमको बाहर आईने में क्या देखा? मैंने कहा मेरा बाहरी स्वरूप। तो बोले जब आईने में बाहरी स्वरूप देखा तो तुमने उसको सुधार लिया? मैंने कहा जी। तो बोले जो मंच होता है और मंच के सामने बैठे हुए जो दर्शक होते हैं वो तुम्हारे आंतरिक स्वरूप के लिए दर्पण का काम करते हैं।
तो जब उनके सामने जाओगे तो उनकी जो प्रतिध्वनि होगी वो तुम्हें अंतस में देखने के लिए मजबूर करेगी और तुमको पता लगेगा कि तुम्हारा आनंद किस विषय में है और तुमको कौन सी चीज़ किसी अन्य के लिए करते हुए सुख मिल रहा है या स्वयं के आनंद के लिए करते हुए सुख मिल रहा है। और अन्य के लिए तुम कुछ भी करते रहो जीवन में, तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे, क्योंकि संसार कभी भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन और तुम संसार को क्या दे सकते हो? जो तुम्हारे पास है। तो अगर तुम्हारे पास आनंद की संपदा है तो तुमसे चाहते ना चाहते हुए भी तुम्हारे संपर्क में आने वाला जो व्यक्ति होगा वो तुम्हारे आनंद का सहभागी होगा, क्योंकि तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। तो वो एक रामलीला हमारे यहाँ पे रही, जिसके कारण हम लोगों को अभिनीत करने का और मंच पे अपने आप को खड़ा करने का और जो प्रतिध्वनि होती थी दर्शकों की कि सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ रामलीला ने हम लोगों को। और इस मकाम पे पहुँचने के बाद मैं ये कहता हूँ कि इतना सारा काम हमने कर लिया, लेकिन जितना अच्छा लेखन और जितनी अच्छी रामलीला मैंने गाडरवारा में होती हुई देखी और जिसका मैं भागी रहा हूँ, उतनी अच्छी अभी तक ना मुझे देखने मिली है और ना सुनने मिली है। क्योंकि ये पूरे के पूरे शहर का आयोजन होता था और उसमें सारे बच्चे शामिल होते थे, तो वो किसी अन्य का नहीं होता था, वो स्वयं के आनंद का सृजन स्वयं के द्वारा किए जाने वाली जो रूपरेखा इन लोगों ने खड़ी की थी हमारे शहर के बुजुर्गों ने, तो उसका नगर महोत्सव होता था। नगर महोत्सव होता था कि पूरे शहर में पता लगा कि अयोध्या भी हो जाती थी और जनकपुरी जी के भी दर्शन होते थे हमको। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप रावण का रोल किया करते थे यहाँ की रामलीला में। तो देखिए क्या है, रावण की भूमिका करने की चाहत हमेशा रही, लेकिन मेरी उम्र आड़े आ जाती थी। अच्छा। क्योंकि रावण में उनको एक परिपक्व व्यक्ति चाहिए होता था। रिहर्सल में तो कर ही लेते थे, जब आते नहीं थे हमारे उमाशंकर काका वगैरह आते नहीं थे तो हम लोगों को वो लाइनें बोलने मिल जाती थी कि स्वामी अब तो दिल मचल उठा है, भाले तीर चलाने को कई अरसों से नहीं सुनी, शमशीरों की झनकारों को, इस तरीके की लाइनें तो हम रिहर्सल में ही बोल के आनंदित हो जाते थे। तो वो सुप्त आकांक्षा मेरी रही और हमेशा उस अपने लक्ष्य को, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों से ये कहा जाता था कि लक्ष्य बड़ा बना लो, अगर तुम असफल भी होगे तो कम से कम धरती पे नहीं गिरोगे, थोड़ी से बीच में आसमान पे अपनी क्षमता से अधिक गिरोगे। तो वो उम्र के कारण कभी रावण करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इस चक्कर में वो संवाद सब पूरे के पूरे रामलीला की वो तमाम चीज़ें याद आ जाती थी। मुझे सपाट किरदार कभी भी पसंद नहीं आए, जिन किरदारों के अंदर थोड़ा सा जो नट के जैसे चलने वाली स्थिति होती है, मुझे वैसे किरदार हमेशा से लगते रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना, आज मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ, उस समय से अनुभूत करता था कि हमारा और आपका जीवन ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, या हमारा और आपका जीवन सिर्फ, उन्होंने कहा कि ये कॉमेडी में गुड हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़का या वो अभिनेता सिर्फ हास्य अभिनेता ही अच्छा है, वो करुण रस का भी उद्दीपन कर सकता है, वो वात्सल्य का भी कर सकता है, वो रौद्र का भी कर सकता है, वो शौर्य का भी कर सकता है, वो विभत्स का भी, वो रसों का खिलाड़ी है, लेकिन हम और आप उसको फ्रेम में बांध लेते हैं। तो हमेशा से हमारा फलक जो रहा है वो ये रहा है कि जिसके अंदर विविध किस्म के रंग हों और जिसका फलक इतना बड़ा हो, जो इंद्रधनुष के सातों रंग हों, सातों सुर हों, वो दिखें, तो मुझे लगता है कि इस कारण वो रुचि हमारी रही। और जिसके जो परमात्मा के प्रति शत्रुता का भाव रखे, परमात्मा को आप मित्र बन के भी पा सकते हैं, परमात्मा के प्रति आप शत्रु के भाव से भी, तो रावण उन किरदारों में से था कि जिन्होंने भगवान राम के की शक्ति पे संशय नहीं किया, क्योंकि वो ये मानते थे कि उनके मित्र भाव में सिर्फ महादेव के अलावा कोई अन्य प्रवेश कर ही नहीं सकता, तो राम से मित्रता होने का तो संबंध ही नहीं हो सकता था, तो राम को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि राम की मित्रता रावण को ज्ञान से भर देती और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। आपने राम राज्य तो ये राम राज्य में लिखा है, तो वो जो चीज है, तो वो मुझे लगता है कि ये ऐसे किरदार मुझे हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। रावण करने का मुझे अवसर मिला जब केतन मेहता ने एक एनिमेशन फिल्म बनाई, तो उसमें रावण की आवाज देने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, तो बड़ा मजा आया होगा। तो बहुत सुख मिला। अच्छा,
लेकिन आप सीधे शांत ऐसे बच्चे नहीं थे, आपने अपने शुरुआती दिनों में परिवार को काफ़ी परेशान किया है अपनी बदमाशियों से। परेशान नहीं कहना चाहिए, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात यह रही कि हमारे परिवार में कभी हमको डोंट्स नहीं सिखाए माता पिता ने, हमें डूज की तरफ हमें दिखाया गया कि क्या करना आवश्यक है, कि अगर तुम कन्विंस हो करने से तो तुम करके देख लो, क्योंकि शिष्टाचार जो होता है, सदाचार जो होता है, वो इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो एडुकेट ही किया जा सकता है। वो मूर्तिकार के जैसा काम नहीं होता कि बाहर का वेस्ट लाए आप और आपने मूर्ति गढ़ दी, वो शिल्पकार के जैसा काम है। तो वो कर कर ही आपको स्वर्ग मिल सकता है, कर कर ही आप सदाचार के रास्ते पर चल सकते हैं। तो जब तक अपने अंदर की तुमको लगता है कि ये तुम्हारी वर्किंग बहुत अच्छी है तो करके देख लो और उसके परिणाम से साबका कर लो। अब तुमको लगे कि नहीं इसके परिणाम वही हैं मनचाहे हैं तो तुमको वो अपने आप वो परिणाम उस दिशा में ले जाएंगे। तो परेशान करने वाला नहीं रहे मानूंगा मैं उसको। मैं ये कहूँगा कि हाँ परिवार को चिंता ज़रूर होती थी, लेकिन चूंकि हमारा परिवार चिंतनशील परिवार था तो उन्होंने उस चिंता को वर्तमान की चिंता माना और ये समझ में आया कि नहीं लड़के के अंदर ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं कुछ सही ना निकल जाएगी सही दिशा। और ये हुआ हमारे साथ कि परम पूज्य दद्दा हमें 16 वर्ष की उम्र में मिले, इनका बहुत अद्भुत संजोग रहा है। तो पूज्य दद्दा हमको फिर उंगली पकड़ के, दद्दा जी जिनको हमारे आध्यात्मिक गुरु, मेरे मार्ग, मेरे मार्गी, मेरी मंजिल, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तो वो उंगली पकड़ के धीरे 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 हमको बढ़ाते चले गए और उनके लिए हम कभी चिंता का विषय नहीं रहे। उनके लिए हमेशा ये, क्योंकि शिष्य की प्रकृति होती है कि वो बनना चाहता है और गुरु जो होते हैं वो मिटाना चाहते हैं। तो अगर तुम मिटने तैयार हो तो तुमको वो बना देंगे। तो हम मिटने तैयार थे। मुझे ना दद्दा के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले गाडरवारा की यादों को थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। कुछ लोगों के मैसेजेस हैं आपके लिए, अच्छा तो वो हम अपने दर्शकों को भी सुनवा दें और आपको भी सुनवा दें। आपके प्रोग्राम की ये सबसे बड़ी खास बात होती है कि आप लोग जड़ में घुस के कहाँ कहाँ से क्या क्या ले आते हैं ना, क्या क्या लेके आ जाते हैं, और यही USP है। एक रुकिए, बचपन का पहले सुना देते हैं। खासकर बड़ी क्लास में, अरे 11th समय सबसे बड़ी क्लास होती थी, तो राणा जी आराम से बड़े उद्यमी भी थे मगर इंटेलिजेंट उद्यमी था वो। एक बार की घटना है छोटी सी, हम लोगों कहीं बाहर जाना था प्रिंसिपल और हमको, तो मैंने राणा जी मानता था मेरी बात, मैंने राणा से कहा कि राणा जी गाड़ी ले आओ यार, बाहर चीचली तक चलना है, चीचली तक जाना था हमें, वो हमारे प्रिंसिपल की सिस्टर वहाँ रहती थी। तो राणा जी गए, जीप ले आए, उनके पास उस समय जीप थी, और जीप ला के उसने स्कूल के सामने ऑफिस के सामने खड़ी कही। अब स्टार्ट करना थी तो वो स्टार्ट नहीं हो रही, अब धक्का मार रहा है एक दो चपरासी तो भी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर उसने कहा कि सर थोड़ा आप लोग मारी धक्का, तो यानी प्रिंसिपल साहब से वो धक्का लगवाना चाहता था। तो प्रिंसिपल साहब ने पीछे से जीप में धक्का लगाया तो थोड़े आगे चल के उसने स्टार्ट कर दी, वो तो अच्छी गाड़ी थी स्टार्ट हो ही जाती थी। तो इस प्रकार के वो फिर हम लोग चीटली चले गए। ये कहाँ से आपको सोनी सर मिल गया बताइए। आपने कहा ना कि हम भाई हमें एस्टैब्लिश करना था कि ठीक ठाक बदमाशी कर लेते थे आप। अच्छा तो सब प्रमाण प्रमाण हम आते हैं, नहीं तो आप कल को कह दें कि नहीं नहीं आप गलत बोल रही हैं। अच्छा, बड़ी कृपा, बड़ा स्नेह रहा है बाबूजी के, मतलब सोनी सर जो रहे हैं वो हमारे घर में, हमारे हर बच्चा हमारे बड़े भाई से लेके हम तक, वो सब सर की सरपरस्ती में सब, मतलब अभी भी पारिवारिक हैं। चलिए अब थोड़े से उधम, जो उन्होंने उधमी शब्द बोला उसकी कुछ और मिसालें हम। अच्छा राणा जी, शायद आपको भी याद नहीं होगा पर आज मैं एक आपकी बचपन की बहुत महत्वपूर्ण घटना शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप लगभग 5-6 वर्ष के थे और आपको कमर में चोट लगी थी, उस दौरान आपको एक बहुत लंबा प्लास्टर बंधा था जो सीने से लेकर पैर तक बंधा रहता था और काफ़ी लंबे समय आप उस समय बिस्तर पर थे। तो आप जब उस दौरान आपकी कुछ इच्छा होती थी, कुछ भी करने की इच्छा होती थी, तो आप सब जो हम लोग आपसे उम्र में लगभग बड़े थे, लगभग कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 7 साल,
लेकिन आपका वो जो रुतबा घर में था छोटे होने के बावजूद भी, वो हमेशा कायम रहता था हम लोगों के ऊपर, आपका रौब दाब बराबर रहता था। आपको याद होगा कि एक बार गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी में, आपने कहा कि मुझे आंगन में लेकर चलो, और आपको फिर वैसा का वैसा उठाकर आंगन में लाया गया। फिर आपने कहा कि मैं बरसात देखना चाहता हूँ। अब उस दौरान हम सारे भाई लोग, भाई बहन जो थे छोटे छोटे, टीन पर चढ़े, टीन के छप्पर वाला घर था, और सब इधर उधर से पानी, कोई गुंडी से, कोई बाल्टी से पानी बहा रहा था उसके ऊपर से, ताकि आपको बरसात का लुक मिले। और वो लुक आपको बरसात का मिला। फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा, नहीं मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग बरसात में ढीले होते ना डांस करें। तो वो एक बड़ी विकट स्थिति बन गई हम लोगों के बीच, और अब आपकी जिद थी और उसको हमें पूरा करना था। तो हम लोग सब जो और छोटे छोटे थे, हम थे, शिशु भाई थे, गुड़िया दीदी थी, मिनी दीदी थी, हम सब उस बारिश बरसती हुई टीम के पानी में आपके लिए, आपको मनोरंजित करने के लिए, आनंदित करने के लिए, हम लोग सब डांस कर रहे थे, गीले हो रहे थे, और लगातार रानी दीदी और राजू भैया वगैरह ऊपर से पानी टीन पर से बहा रहे थे, ताकि आपको वो फिल्मी दृश्य बना रहे। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये शूटिंग की जो सेट की कल्पना होती है वो आपके बचपन में कहीं ना कहीं थी, इंस्टिंक्ट थी, और वो आपके साथ बहुत आनंद के दिन बिताए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं आपके साथ। गनीमत एक भैया ने अपने इनके उसकी नहीं बताई। एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊं, जब आप उस समय 12वीं कक्षा में थे, 12th पास होने के लिए एग्जाम दे रहे थे, और आपकी शरारतें, आपके ऊधम इतने ज़्यादा थे कि पढ़ाई आप करते नहीं थे, बहुत कम पढ़ाई करते थे, लेकिन आप को बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं तो अच्छे रिजल्ट लेकर आऊँगा। और हम लोग जो घर में थे, वो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हम और जो दादा भाई और जो बड़े भाई बहन लोग थे, उनके मन में शक था कि शायद राणा जी पता नहीं इस बार 12वीं को पास करेंगे कि नहीं। 11वीं। और जब रिजल्ट आया तो आप अपने स्कूल से लेकर घर तक हाथ ठेले पर बैंड बाजों के साथ अपनी मार्कशीट को हाथ ठेले पर रखकर और मित्रों के साथ नाचते हुए घर पर आए थे, अगर आपको वो याद हो। और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो हम सब अचंभित हो गए ये देखकर। और ये घटना हमें आपकी उस समय की याद दिलाती है कि आप कितने शरारती होने के बावजूद भी इंटेलिजेंट तो थे ही, और रचनात्मक बाजे बाजे थे भाई। मतलब गजब। आपके अभी इनकी खत्म नहीं हुआ, आपकी मुक्ति अभी। एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपको थोड़ा स्मरण आए, कि जब आप सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, आप मुझसे पहले पहुंच गए थे एक वर्ष, मैं PhD करने के लिए बाद में इसी के इंतजार कर, और उस समय वैसे तो मुझे कोई जानता नहीं था कि मैं आपका भाई हूं, पर आप उस एक वर्ष में पूरे विश्वविद्यालय पर छा चुके थे, और जैसी कि आपकी फितरत है और जैसा आपका गाढ़ावारा में व्यवहार था, वो जो विश्वविद्यालय के अंदर छात्रावास में छात्रावास वर्सेस छात्रावास, शहर वर्सेस छात्रावास, और कई किस्म की गुटबाजी जो चलती थी, उस गुटबाजी में आपने अपनी एक रॉबिनहुड की छवि विश्वविद्यालय में बना ली थी, और जो पीड़ित छात्र होते थे, पीड़ित बच्चे होते थे, वो सब आपकी शरण में इकट्ठे होने लगे थे, और सारे लोग आपको बहुत प्यार करते थे। विश्वविद्यालय का जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग था, वो भी बहुत बार आपसे विश्वविद्यालय में अपने प्रशासनिक मदद लेने के लिए आपके पास आता था, और लोगों के बीच में जो आपकी इमेज थी, भले ही प्रशासनिक अधिकारी आपसे भय खाते थे और आपको कहीं किस्म में असामाजिक तत्व के रूप में भी गिनते थे, लेकिन आपकी छवि हम सबके बीच में, मतलब छात्रों के बीच में और निचले किस्म के कर्मचारियों के बीच में, रॉबिनहुड की छवि थी। सारे लोग आपके अंदर एक मददगार, संरक्षक की दृष्टि से आपको देखते थे। क्या बात है, खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत बहुत बढ़िया, अद्भुत। लेकिन हम लोग जब आपके बचपन की बात कर रहे हैं ना, तो एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो आपने किस्सा पहले सुनाया था, जब आप लोग पढ़ने बाहर भेजे गए और माताजी पिताजी मिलने आए, वो मैं इस, हाँ वो इसलिए चाहती हूँ आप जरूर बताएं, क्योंकि वो हर पीढ़ी के लिए आज भी बहुत रेलिवेंट है जी। तो वो जरूर मैं चाहती हूँ आप शेयर करें। अभी जिनका हम मैसेज सुन रहे थे, प्रोफेसर नंद कुमार नीखरा जी, उनसे छोटे जयंत भैया जो हाई कोर्ट में लॉयर हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में, और मैं, हम तीनों क्राइस्ट चर्च भेज दिए गए अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए।
जबलपुर जबलपुर और जबलपुर का उस समय क्राइस्टचर्च का जो स्कूल था वो इतना ख्याति नाम था कि पूरे मध्य प्रदेश में क्राइस्टचर्च का बहुत बड़ा नाम था। हम तीनों को भी भेज दिया गया और ये सोच के कि अब ये बच्चे जो हैं यहाँ से निकल के, तो 7 दिन बाद जब हमारा पहला रविवार को माता पिता को मिलने की स्वतंत्रता थी, तो 7 दिन बाद मम्मी बाबूजी और हमारे बड़े भैया मदन मोहन भैया, तो जब अफसर आया और हम लोगों से कहा गया, तो हम लोगों को ये था कि आपको एक मीटिंग एरिया था क्राइस्टचर्च में, आपको वहाँ पे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ मिलने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, और 5 से 7 बजे के बीच में आप अपने बच्चों से मिल सकते थे। तो हम लोग बिल्कुल टाई वाई लगा के, क्योंकि अभी तो एक हम हफ्ते में सब असर हो गया, और नॉटी बॉय शूज़ जो बाटा के होते थे, और हमारा ग्रीन कलर का ब्लेज़र हुआ करता था जिस पे स्ट्राइप वाली हमारी टाई होती थी, तो वो मुझे बड़ी, और वाइट पैंट है, तो उसमें हम बिल्कुल सज बज के तीनों भाई खड़े थे, और बिल्कुल एकदम, मतलब इम्प्रेस करना था मुझे मम्मी बाबू जी को कि अब मैं स्वावलंबी हो गया हूँ और अब मतलब मैं बदल चुका हूँ। वो आए और मम्मी अपना उल्टे पल्ले वाली साड़ी पहनी थी, बाबूजी अपने धोती कुर्ता जवाहर बंडी और टोपी, और भाई जी साथ में हमारे बड़े भाई अंदर आए। अब मेरा मन कर रहा था कि हमारे यहाँ परंपरा है कि अपने बड़ों के पैर पड़ना है, चरण स्पर्श करना है, जो भी है, ज़रूरी नहीं कि वो परिवार के हों, परिवार में घर की चार दीवारी के अंदर कोई घुस रहा है, अगर वो बड़ा है तो आपको उसके पैर छूने नहीं हैं, सर आपको चरण स्पर्श करने हैं, सर रख के पढ़ना थे। तो अब लेकिन स्कूल का सिस्टम ये था कि आप मतलब यू हैव टू बिहेव लाइक ए सिविलियन, मतलब अब आप मतलब ये जो चीज़ें हैं ये, तो अंदर घुसे हम तीनों भाई लाइन में खड़े हुए थे, तो अचानक हम वहीं से अपने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मम्मी गुड इवनिंग बाबूजी करके, तो बाबूजी ने मेरी तरफ देखा यूँ और उन्होंने गुड इवनिंग का जवाब भी दिया, मम्मी की तरफ देखा, मम्मी ने मुस्करा के बाबूजी की तरफ देखा, और मुझे लगा कि अब ये इम्प्रेस हो चुके हैं मुझसे और उनको पता है कि अब इसका जो फ्लेवर है वो बदल गया है। 2-1 घंटे चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा सामान बांधो, घर चलना है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, क्राइस्टचर्च छोड़ना है, अपन तो गाडर वारा चलेंगे, अपन गंज स्कूल में पढ़ेंगे बेटा, जो जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे। अब हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी, और एक और अच्छी आदत थी हमारे परिवार में कि प्रश्न सबसे पहले छोटे, जो सबसे छोटा है उसको पूछने का अधिकार था। तो इन दोनों ने, क्योंकि ये तो बजट पास हो गया, अध्यादेश जारी हो गया कि सामान बांधो और अब सीधे घर चलो, और हम वही गंज स्कूल और किसानी स्कूल और कन्या नवीन मतलब अभी जहाँ से मुक्त होके आए हैं, और बाबूजी का मुंह से निकला हुआ वाक्य मतलब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। तो दोनों ने हमारी तरफ देखा कि भाई पूछो क्या हुआ, तो मैंने भी कहा कि मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है जो हमारे भविष्य से संबंधित है। तो बाबूजी ने बहुत स्नेह से देखा और बोले बेटा हमने तुमको स्कूल में नई चीज़ सीखने भेजा था, पुरानी चीज़ें भूलने नहीं भेजा था, और जो चीज़ 7 दिन में तुम्हारा पुराना भुला दे, हो सकता है कि वो चीज़ अच्छी हो बेटा, हमें जानकारी नहीं है उस बात की, लेकिन जो चीज़ भुला दे पुराने को तो बेटा वो कल्याणकारी नहीं होती। मैंने देखा कि तुम अपनी माँ से गले से लिपटना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे स्कूल के कल्चर में तुम वहाँ पे खड़े होकर गुड इवनिंग मम्मी हो, गुड इवनिंग बाबूजी कर रहे, गुड इवनिंग अच्छा संबोधन है, लेकिन बेटा शिक्षा जो होती है वो दूर खड़े को पास लाने का काम करती है, वो पास खड़े हुए व्यक्तियों को दूर ले जाने का काम नहीं करती। शिक्षा बेटा अमित्र को मित्र बनाने के लिए होती है, मित्र को अमित्र बनाने के लिए नहीं होती है। और आज मुझे स्कूल और विद्यालय में अंतर समझ में आ गया कि स्कूलों में व्यक्ति को साक्षर बनाया जाता है,
और विद्यालयों में व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है। तो बेटा मैं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता कि साक्षरता कितनी कल्याणकारी है कितनी नहीं है। मैं चाहता हूँ, मुझे ये पता है कि शिक्षा निश्चित रूप से कल्याणकारी है। मैं नहीं चाहता कि तुम असंवेदनशील साक्षर व्यक्ति के रूप में जाने जाओ। मेरे लिए एक संवेदनशील निरक्षर व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए बेटा तुम तो चलो और अपने घर चलना है। हम तीनों भाई तुरंत स्कूल के प्रोटोकॉल को छोड़ के यूनिफॉर्म में दंडवत कि आई एम सॉरी सॉरी वाली बातें जो हुई क्षमा चाहते हैं। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जयंत भैया और नंद भैया तो वहाँ पर रहे आए, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। अच्छा। और मैं वापस आ गया कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद। और फिर उसके बाद फिर हम अहमदाबाद चले गए। अच्छा। तो वहाँ पे ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो एक वर्ष मेरा एजुकेशन अहमदाबाद में हुआ। अच्छा। तो फिर गाडरवारा आ गए, लौट गए। एक बात बताइए, बचपन की इतनी यादों में आप माँ का जिक्र करते हैं, लेकिन जब जीवन ने मतलब शेप लेना शुरू किया, पर्सनैलिटी, प्रोफेशन, सब कुछ, तो माँ की कमी बहुत खलती होगी हर वक्त। देखिए क्या होता है कि माँ का जिसको कहें कि लौकिक सानिध्य मुझे कम ज़रूर मिला है, लेकिन वो कम समय में मुझे बहुत कुछ दे के चली गई। और वो इतना दे के चली गई कि जो भी वैचारिक क्षमता है हमारे अंदर, कि पिता से हमें साहस मिला बाबूजी से, और माँ से हमको विचार मिले, तो हमारे माँ और बाबूजी की ये जो साहस और विचार की जो प्रगति, क्योंकि जिस विचार को कार्यान्वित करने की का साहस ना हो और जिस साहसी कृत्य के पीछे विचार ना किए जाएं, दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये साहस और विचार का, तो माँ का लौकिक सानिध्य निश्चित रूप से कम मुझे मिला है, लेकिन वो भरपूर देखे गए हैं। और ये लोग जाते थोड़े हैं, वो अंतर सिर्फ इतना होता है कि पहले वो सामने होते हैं, अब वो साथ हैं। तो आपका जो भी अस्तित्व है, माँ का विस्तार ही आत्मा होती है। उसका निस्तार देखें तो वो महात्मा होती है, और उसका उच्छ्वास परमात्मा होती है। तो आत्मा हो, महात्मा हो या परमात्मा हो, इनको अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ को तो धारण करना ही पड़ता है। तो माँ, अगर हम और आप कहें कि सिर्फ वो लौकिक उपस्थिति है, तो लौकिक उपस्थिति नहीं है। माँ तो तब तक होती है माँ पिता, जब तक हम होते हैं। तो इसलिए जिसको कहें कि मिस करना, क्योंकि मिस उसे किया जाता है जिसे आप भूल जाएं, जिसे आपने भूला, जिसे आपने विस्मृति नहीं किया, जिसे आपने विस्मृति नहीं किया, उसे आप कैसे मिस करेंगे। अच्छा, फिर पढ़ाई में ही आप सागर चले गए, सागर विश्वविद्यालय में। उस समय भी आशुतोष राणा, अपना दादागिरी, नेतागिरी, तब तक तो ये सब खूब चल रहा था, मतलब सामाजिकता जी, ये यही रूप था आपका जी। मैं लोग कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर या एसपी, ये पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में जाते हैं। हमने सोचा था कि मुझे लीडर बनना है, और मैं लीडरशिप के लिए मैं सागर विश्वविद्यालय गया था। सागर विश्वविद्यालय का फलक बहुत बड़ा था, उसमें 128 कॉलेजेस थे जो एफिलेटेड थे मध्य प्रदेश के। तो मुझे लगा कि मेरे अपनी जो आकांक्षा है, अपनी जो ऊर्जा है, उसके विस्तार के लिए मुझे इतना ही बड़ा कोई मंच चाहिए है सागर विश्वविद्यालय के जैसा। तो वो उस उद्देश्य से हम वहाँ पर गए थे। और मैं बड़ा कुतर्की व्यक्ति था, कुतर्की या ये कहें कि मेरे पास बड़े सक्षम तर्क हुआ करते थे। तो तर्क में, हमारी तर्क की महत्ता के ऊपर बड़ा अखंड विश्वास था। तो मुझे लगता था कि तर्क में आप हमें परास्त नहीं कर सकते हैं, मुझे आपको कन्विंस करना होगा, या तो आप मुझे कन्विंस करें या मैं आपको कन्विंस करूं। और अक्सर ये होता था कि परिणाम हमारे पक्ष में आते थे कि हम ही आपको कन्विंस कर लेते थे। सागर के जो आपके किस्से पता चले ना हमें जी, अच्छा एक वो किस्सा सुनवा देते हैं आपको जी, जी। वहां से थोड़ी सी भूमिका बनेगी। अरे वाह, सागर के भी किस्से। मेरे जीवन में एक इत्तफाक बना, कॉलेज में मेरे दो पेपर
गड़बड़ हुए तो हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी सागर पहुंचे ठीक करवाने के लिए। वहाँ छात्र लीडरों से जानकारी ली कि हमें पास होना कैसे होंगे, तो कुछ लोग वहाँ के स्टूडेंट लीडर बोले कि यार एक लड़का है यहाँ पर वो सबको पास करवा देता है। मैंने कि भैया नाम तो बताओ कौन है, वो बोले यार राणा जी। तो हम लोग बड़े खुश हुए, वो तो हमारे गांव और मोहल्ले का है। हमने जाकर इन्हें बताया यार ये दो पेपर हमारे खराब हुए हैं। इनने बोले आदेश तुमको इन दोनों पेपर में इतने इतने नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जब रिजल्ट आया तो या तो राणा जी जानते हैं, वो ईश्वर जानता, उनने जितने नंबर बोले थे मुझे उतने नंबर मिले और मैंने बी कॉम पास कर लिया। ये भगवान, ये अब आपकी ये बदमाशी बात किए बना हम कैसे आगे बढ़ते बताइए। तो ये बताइए, ये दद्दा से मिलने से पहले ये आप सागर में कर क्या रहे थे? देखिए क्या होता है कि जब आदमी युवा होता है तो उसे अपने बाहुबल के ऊपर अधिक भरोसा होता है। ये जो पहले जो तमाम चीजें थी तो ये सब घटनाएं घटित होती रही और हम अपने आप को, तो ये दद्दा हमसे बार बार लगातार परम पूज्य दद्दा कहते थे कि बेटा अपन को मसल लीडर की इमेज नहीं बनानी है, अपन को कल्चरल लीडर की इमेज बनानी है। तो तुम ये कर रहे हो, ये करते रहो, कभी उन्होंने रोका नहीं, नेतागिरी करते रहो। हाँ बोले बेटा लेकिन जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी में उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तब अब ये संसार में आदमी को पास ही होना है, फेल होना है, वैल्यूएशन होते थे, रीवैल्यूएशन होते थे, फिर से नेताजी पहुंच जाते थे, फिर से परीक्षाएं, मतलब परीक्षा दे के समय नष्ट क्यों हो आदमी का? क्योंकि जीवन में जो परीक्षाएं हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, मेरा अपना ये मानना है कि हमारे मित्र अगर हमारे शिक्षक होते या हमारे शिक्षक हमारे मित्र होते तो हमारी और आपकी तस्वीर बदल जाती, क्योंकि वो स्कूल और कॉलेजेस को, वो घर को भी पाठशाला बना देते हैं और जो मित्र होते हैं वो पाठशालाओं को भी घर बना देते हैं। तो वो वाली जो बात थी कि हमारा ये था कि शिक्षा होती है हमारे अपने आनंद के लिए, स्व विकास के लिए। शास्त्रों का संबंध, शिक्षा का संबंध जिंदगी के बोझ कम करने के लिए होता है, बोझ बढ़ाने के लिए नहीं होता कि हम शास्त्रों का बोझा ढोते हुए अपने सर के ऊपर घूमते रहें। और ज्ञान या किसी भी किस्म की जो शिक्षा होती है वो सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है हमारे लिए, वो जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं है, जीवनोपार्जन के लिए होती है। तो अगर हमारा जीवनोपार्जन बहुत अच्छा हो रहा है तो जीविकोपार्जन तो बाय प्रोडक्ट है। गेहूँ बोएंगे आप तो भूसा आपका निकलेगा ही, उसके लिए आपको भूसा अलग से बोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तमाम चीज़ें थी, ये गतिविधियाँ हमारी चलती रहती थी। मित्र परिवार बहुत अच्छा था, चूँकि व्यक्ति जब दबंग हो, दबंग से मेरा मतलब है कि दा यानि दमदार, बलवान और गरिमापूर्ण, जिस व्यक्ति के अंदर ये तमाम चीज़ें हों तो वो वैसी वाली चीज़ें, क्योंकि हमारा उसमें कभी भी रुचि नहीं रही कि किसी को, जैसा कि आपने भैया के मैसेज में सुना कि जो अशक्त है हम उसके लिए खड़े हैं, और सशक्त के लिए तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं, वो सक्षम। तो अक्षम को, अक्षम व्यक्ति को सक्षम बनाने का कार्य यदि आपकी ऊर्जा के माध्यम से हो सकता है, अशक्त को सशक्त बनाने का काम यदि, तो हमारी पूरी की पूरी जो ड्राइव थी सागर यूनिवर्सिटी में वो इस दिशा में बढ़ रही थी कि ये छोटे छोटे क्लेश हैं जिंदगी के, इनको परीक्षाएं के, परीक्षा दी है बताइए फिर उसके ऊपर आप हमारे पूरे जीवन के तमाम गुणों को एक तरफ रख देंगे परीक्षा परिणाम को ध्यान में रखते हुए, कि मछली तैर सकती है और पक्षी उड़ सकता है। अब पता लगा कि आपने उड़ने वाली परीक्षा रख दी है और मछली बार बार फेल होगी और आप कहते हैं कि मछली तेरा जीवन निस्सार है क्योंकि तू उड़ नहीं सकती, तो वह मछली कहेगी कि एक बार भाई आप इस उड़ने वाले पंछी को एक बार जरा समुद्र में लेके आइए ना, तो फिर आप ये कहने लगेंगे कि पक्षी तेरा जीवन निस्सार है क्योंकि तू तैर नहीं सकता। तो हमारा ये मानना है कि ये जो शिक्षा होती है, तो इस वजह से इन सब तमाम चीज़ों में हम गतिविधियों में काम करते रहते थे कि अगर किसी के बोलने से, और हमको हमारे प्रोफेसर्स बहुत प्रेम करते थे,
और अब लोग भले ही उसको भय की प्रतिमा मैं बोलने वाली थी कि ऐसा लग रहा है कि भय करते होगा शायद उन्हें आपसे, वो मुझे लगता है कि बड़ा प्रेम करते थे क्योंकि वो प्रेम का सौदा था और उस प्रेम में वो जब प्रेम पूर्ण जब आप आग्रह किसी से करते हैं तो वो कहता है कि अरे छोटी बात समझ गई मैं बढ़ा दो समझ गई कॉलेज में लेकिन उस समय क्या ये एक थॉट था आपके मन में कि नेतागिरी में ही जाना है पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है? बिल्कुल मैंने कहा दादाजी नहीं मिलते शायद तो आपने मैंने आपसे कहा कि मैं नेता ही लीडर बनने ही गया था और एक ऐसा लीडर जो लैडर का काम कर सके जो सीढ़ी का काम करे। लीडर की क्वालिटी ही होती है कि वो लैडर के रूप में इस्तेमाल होता है लेकिन जब हम देखते हैं कि लीडर सिर्फ लैडर का काम नहीं करता है स्वयं के विकास के लिए काम करता है तो फिर वो नेतृत्व नहीं होता। तो आपको तो वो हमारे मन में था ही कि हमको हम सामाजिक व्यक्ति हैं हमको अपनी ऊर्जा का उपयोग इसका इस्तेमाल पूरा का पूरा हमारी एकांकी विकास में कभी भी रुचि नहीं रही सर्वांगीण विकास में हमारी हमेशा से रुचि रही है। मैं ठूंठ के जैसा कभी नहीं बढ़ना चाहता था कि एक बांस से जो 80 फीट ऊपर चला गया। हमारा ये था कि अगर आप बढ़ रहे हैं सबको साथ तो फिर आपकी जड़ें आने वाले समय में इतनी बड़ी हो जाएं कि जो तने थे वो वापस जड़ों में रूपांतरित हो जाएं। तो वो सर्कल जो बनता है कि वो थे तो तने बरगद के लेकिन एक सीमा के बाद वो इतने विकसित हुए कि वापस धरती में समा गए और वो जड़ों का काम करने लगे। तो जड़ से तने तक की यात्रा की एक इच्छा थी और तने से जड़ तक की यात्रा की एक इच्छा थी और मुझे लगा कि मैं वो भले ही उस संवैधानिक उसमें नहीं हूँ लेकिन उस दृष्टि से देखा जाए तो कार्य पद्धति हमारी या जो हमारा जीवन चिंतन है या जो जीवन शैली है हमारी वो ऐसी ही है कि कोई भी निश्चिंत होकर हमारे पास अपने खुले हृदय से बात करता है और खुले हृदय से बात करें मतलब कपाट खुले हैं। हमारा कभी अभिनेता आपने हमें देखा होगा कि और मुझे लगता है जो भी लोग जानते होंगे अभिनय हमारा परिचय नहीं रहा वो सिर्फ हमारी प्रशस्ति रही है कि हाँ अच्छे एक्टर हैं। ये जीविकोपार्जन के लिए जैसे कोई डॉक्टर जीविकोपार्जन के लिए डॉक्टरी करे तो अभिनय हमारे लिए एक जीविकोपार्जन का प्रशस्ति का काम है कि अभिनेता हैं और उससे हमको एक जीविका मिल जाती है लेकिन अभिनय हमारा व्यक्तित्व नहीं है पूरा नहीं वो व्यवसाय है। और शायद इसीलिए देखिए ना हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक अभिनय पर हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि जीवन के इतने सारे पहलुओं पर बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि रावण ने अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर नहीं होने दूंगा कुछ और मांग लो। महादेव को प्रसन्न किया उन्होंने कहा कि बेटा अमरता नहीं कुछ और मांगो अमर नहीं हो। तो जब अमरता का वरदान रावण को प्राप्त ही नहीं था तो रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अमृत जो मरने ना दे। हम कैसे पहचाने गुरु को? हम तो नहीं पहचान सकते। वो गुरु होते हैं जो शिष्य को पहचानते हैं। हम अपनी इच्छा से गुरु तक नहीं पहुंच सकते। वो गुरु ही होते हैं जो अपनी इच्छा से शिष्य को अपने पास बुलाते हैं। लर्निंग से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अनलर्निंग। तो अनलर्न करना जिस दिन आप सीख जाए वही सबसे बड़ी लर्निंग होती है। चौके में जो चर्चा होती है वो चर्चा अगर चौक पे होने लगे और चौक पे जो होती है चर्चा वो अगर चौके में होने लगे तो आपका चौका भी बिगड़ जाता है और आपका चौक भी बिगड़ जाता है। मेरे लिए दल और देश दो अलग अलग चीज़ें हैं। देश के कल्याण के लिए दल होते हैं कोई भी दल। दलों के कल्याण के लिए देश नहीं होता। विचार शून्यता लोकतंत्र के लिए घातक है। विचार भिन्नता घातक नहीं है। अगर आपको मेरा सत्य जानना है तो आपको मेरे सामने नहीं मेरे साथ आना पड़ेगा। लेवल जो चाहिए वो मुझे किससे चाहिए? मेरे गुरु से चाहिए, मेरी पत्नी से चाहिए और मेरे बच्चों से चाहिए। जिस दिन मेरे बच्चे मुझसे कहेंगे उस दिन मैं विचार करूंगा कि इस लेवल को मुझे ओन करना है या डिसओन करना है। तो आशुतोष को मिटाने के लिए आशुतोष को जानना आवश्यक है और आशुतोष को जानने के लिए आपको आशुतोष के अंदर रहना और उसकी एक यात्रा करनी आवश्यक है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं।